नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लॉर्ना जी कारवेंटिस के द्वारा लिखी गई एक पोयम जिसका नाम है रिफ्यूजी शिप। इसमें उन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में लिखा है कि किस तरह से वो आइडेंटिटी अपनी आइडेंटिटी के लिए परेशान हो रही, संघर्ष कर रही हैं, जो कि वह मैक्सिकन और यूनाइटेड कल्चर में USA के अमेरिकन कल्चर में फंस कर उनकी आइडेंटिटी जो है रह गई है, उन्हें कोई आइडेंटिटी नहीं मिल पाई है। आइए पोयम देखते हैं। लाइक वी कॉन्स स्टार्क आई स्लाइड पास्ट माई ग्रैंड मदर साइज, कहते हैं जबकि मैं एक वीट कॉर्न स्टार्क मतलब गीला आटा, जब मैं गीले आटे की तरह थी, कॉर्न स्टार्क मतलब होता मकई का आटा, जब मैं गीले आटे की तरह थी कि किसी भी कल्चर में ढल सकती थी, किसी भी शेप में ढल सकती थी, चाहे अमेरिकन या फिर मैक्सिकन, बट मुझे नहीं उस तरह से बनाया गया। आई स्लाइड पास्ट माई ग्रैंड मदर साइज बाइबिल एट हर साइड, बाइबिल का मतलब यहाँ से उनके कल्चर को दिखाया गया कि मेरी दादी जो है वो अपने कल्चर में किस तरह से ढली हुई हैं। सी रिमूव्स हर ग्लासेस द प्लडिंग थिकेंस, प्लडिंग थिकेंस मतलब होता है कि अब आटा जो कड़ा हो चुका है, किसी चीज़ को बदला नहीं जा सकता, उसे फिर से सही नहीं किया जा सकता। कहती हैं अब जो मैं जिस भी कल्चर में ढल सकती थी, चाहे जिसमें मुझे ढाला जा सकता था, उस समय मुझे नहीं किया गया, मुझे नहीं ढाला गया, अब जो कि मैं नहीं ढल सकती तो मैं उसके लिए परेशान हो रही हूँ, अपने कल्चर को लेकर परेशान हो रही हूँ कि मैं किस में जाऊँ, ना मैं अमेरिकन की तरह हो पा रही हूँ और ना ही मैक्सिकन की तरह। अगली लाइन में बोलती, मामा रेज्ड मी विदाउट लैंग्वेज, आई एम ऑर्फन फ्रॉम माई स्पेनिश नेम, कहती हैं कि मामा का मतलब मदर, मेरी माँ ने मुझे बिना लैंग्वेज के बड़ा किया, मतलब कि मुझे स्पेनिश नहीं बोलने दिया जो कि मेरी लैंग्वेज थी स्पेनिश, मैं अपनी मातृभाषा से ही अनाथ हो गई। द वर्ड्स आर फॉरेन स्टम्बलिंग ऑन माई टोन, और मुझे अंग्रेजी बुलवाई गई जो कि विदेशी भाषा थी, जो कि मेरे जुबान से निकल नहीं पा रही, फंस रही है। आई सीन इन द मिरर माई रिफ्लेक्शन ब्रॉन्ज स्किन ब्लैक हेयर, जब मैं शीशा देखती हूँ, आईना देखती हूँ, तो उसमें मेरी स्किन जो है वह गोरी है और मेरे बाल जो हैं वह काले हैं, जैसा कि अमेरिकन की स्किन जो होती है वो गोरी भूरी होती है और बाल जो उनके भूरे होते हैं। तो कह रहे हैं कि ना मैं पूरी तरह से अमेरिकन हो पा रही हूँ और ना ही मैं पूरी तरह से मैक्सिकन रही हूँ, क्योंकि मैं उनकी भाषा नहीं बोल सकती मैक्सिकन की, और अमेरिकन मेरे के बाल जो काले हो जो भूरे होते हैं वो मेरे बाल भी काले हैं, तो मैं किसी भी कल्चर में अपने आप को सेट नहीं कर पा रही हूँ। अगली लाइन में बोलती हैं, आई फील आई एम ए कैप्टिव अब्रॉड द रिफ्यूजी शिप, वह कहती हैं कि मैं अपने आप को एक बंदी की तरह, बंदी मतलब कैदी की तरह, एक कैदी की तरह अपने आप को एक रिफ्यूजी जहाज़ पर पा रही हूँ, अपने एक शिप जो बाहर भेज दी गई, अब्रॉड मतलब देश से बाहर, जिसे अपने देश से बाहर भेज दिया गया है। द शिप दैट विल नेवर डॉक, वह शिप जो डॉक मतलब होता है किनारे पर, अपने स्थान पर जहाँ उसे जाना है, वह शिप जो अब कभी नहीं पहुँच पाएगी अपने उस स्थान पर जहाँ उसे जाना है, मैं उस पर एक बंदी की तरह अपने आप को पा रही हूँ, क्योंकि ना तो मैं अमेरिकन कल्चर में अपने आप को ढाल पाई और ना ही मैक्सिकन कल्चर में। एल बराको के ना न नटराका, इसका भी मतलब वही है, द शिप दैट विल नेवर डॉक, जो शिप वह जहाज जो है वह कभी भी अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुँच पाएगी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।